बगावत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। रोक सके शेर को उतनी तो कुत्तों में ताकत नहीं। ओहो, तुम्हारा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है ऑफिशियल ट्रेलर मरजावां का, और इसमें है रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे। गुजरे का इस देश की जिस गली से मदद मिलेगी हर किसी को। मांगो या अली से या बजरंग बली से। घूटे में हेलमेट तोड़ गया। सारा ध्यान भटक गया भाई लड़के का। जाने का गम और नाने जान तो वो भी लेता है, चतर पाता है और फिर खुद ही मरम बन जाता है। इश्क हाय मैं मर जाऊं। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। पता है कमीनेपन की हाइट क्या है? 3 फुट। मैं राक्षस नहीं हूं, मैं तो अवतार हूं। रघु छोड़ दे दीवानगी, ये लड़की भी मरेगी और तू भी मरेगा। मैं बदला नहीं लूंगा साया, मैं इंतकाम लूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बगावत करने की? बगावत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। रोक सके शेर को उतनी तो कुत्तों में ताकत नहीं। ओहो, क्या डालो तुम्हारा है। खत्म कर दो उसे। ऐसा कभी सोचा न था ये अंजाम होगा। एक वक्त का बादशाह आज गुलाम होगा। शेर के मुंह में गर्दन डालेगा ना तो नहीं बच पाएगा। मैं मारूंगा मर जाएगा, दोबारा जन्म लेने से डर जाएगा। एक रावण 10 सर, एक विष्णु 10 का सर। तो ये था मरजावां मूवी का ट्रेलर, और भाई साहब फुल ऑफ एक्शन था ये। फुल ऑफ एक्शन, और साथ के साथ भाई एक एक डायलॉग, एक एक पंच इतना तगड़ा था ना कि भाई क्या बोले आपको। वो कहता कि चाहे जहाँ जाओ जिससे जिसको भी मदद चाहिए, या तुम मदद करे या कौन, अली या फिर बजरंग बली। तो भाई साहब मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग प्लस एक्शन मिला के मूवी ये जबर होने वाली है। बाकी सिद्धार्थ मल्होत्रा को हमने काफ़ी टाइम हो गया, वो मूवी करी नहीं है उन्होंने, और उसके काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वो मूवी में आए, मूवी करी है उन्होंने और फुल ऑन एक्शन। और इस मूवी में रितेश देशमुख जो आपको एक बौने किरदार में 3 फुट यानी कमीने पंथी की हद किसे कहते हैं, कितनी लिमिट होती है? 3 फुट। वही बड़ा तगड़ा लग मारता है बंदे की एंट्री दिखाई गई है तगड़ी वाली। तो रितेश देशमुख है नेगेटिव रोल में, और मतलब जो हमारे मेन एक्टर हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा वो भी थोड़े से जैसे शुरू में तो दिखाया वो गुंडे का रोल ही है, पर बीच में वो लड़की से प्यार हो जाता है, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं।
वो थोड़ी सी मूवी वैसी स्टाइल शुरुआत वैसी कर रखी है एक विलन की तरह. ये लड़का पहले हरामी होता है, फाइट वाइट करता रहता है और उसके बाद से प्यार हो जाता है, वो सुधरना चाहता है लेकिन उसे कोई सुधरने देना नहीं चाहता. और बीच में वो सॉन्ग भी आता है तेरी गलियां गलियां, तो उसी मूवी से, पुरानी वाली मूवी जो है उसी से उठाया हुआ है उन्होंने, तो उसे उठाया हुआ है. और बेसिकली क्या है, देखो एक लव स्टोरी भी दिखनी है इसमें और बेसिकली पूरी मूवी लव स्टोरी के ऊपर बिहाफ है, डिपेंड उसी के ऊपर ही है क्योंकि जो मरजावां टाइटल बनता है वो उसी के लिए बनता है. लास्ट में हमने एक सीन देखा जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा लड़की को गोली मार देते हैं और फिर शायद खुद ही मर जाते हैं उस टाइम. तो बाकी ट्रेलर फुल ऑन एक्शन है और थ्रिलर काफ़ी देखने को मिलेगा आपको इस मूवी में. और अब वो लड़कियों को क्यों मारते हैं ये चीज़ तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा क्या होता है. I don't know कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसमें वो कहते हैं कि भाई शायद डिफरेंट कास्टिज्म या डिफरेंट रिलीजन का मैटर लग रहा है मुझे तो. तो अभी कुछ बोल नहीं सकते मूवी के बारे में क्योंकि मूवी को देखने के बाद ही पता लगेगा कि रियलिटी में क्या चीज़ है. क्योंकि ट्रेलर में कुछ चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हुई हैं तो जिससे मूवी की स्टोरी पूरी तरह से बना पाना नहीं हो पा रहा है. और मेन चीज़ का जो इन्होंने दिखाया है लव स्टोरी और वो सारी चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं लेकिन मेन चीज़ का जो फाइट किस चीज़ की है, क्योंकि रावण की बात भी आ रही है वहाँ पे, अली की बात भी आ रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट वो चीज़ें चल रही हैं. विष्णु का अवतार और रावण के 10 सर और विष्णु के 10 के बराबर, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. तो अब देखते हैं क्योंकि लड़की का निकाह हो रहा होता है आई थिंक उसमें दिखाते हैं. तो ये ट्रेलर था जो कि हमें तो बहुत ही दमदार लगा है. और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं. और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि आपसे हमारी कोई भी वीडियो छूट ना जाए. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ बैठ के हमारे रिएक्शन वीडियो ज़रूर देखें और शेयर करें इस वीडियो को. मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में नए ट्रेलर के साथ, नए सॉन्ग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.